चंबा जिले में सबसे खूबसूरत पर्यटन नगरी डलहौजी में पर्यटन का सीजन शुरू होने वाला है। इसे लेकर डलहौजी पुलिस मुस्तैद हो गई है। इसको लेकर डलहौजी पुलिस ने अपना मास्टर प्लान तैयार कर लिया है और बस स्टैंड से वन वे ट्रैफिक की व्यवस्था करने का फैसला किया है। बस स्टैंड से वाया सुभाष चौक, गांधी चौक पर्यटक आएंगे, जबकि वापसी गांधी चौक से सीधे बस स्टैंड के लिए होगी। ये भी बता दें कि गर्मियों में पर्यटन सीजन के दौरान देश के अलग अलग राज्यों से लाखों की संख्या में पर्यटक डलहौजी का रुख करते हैं और इसी को लेकर पुलिस ने ये मुस्तैदी बढ़ाई है। दूसरी ओर डलहौजी के डीएसपी हेमंत ठाकुर ने कहा है कि पर्यटक सीजन शुरू होने वाला है, इसको लेकर हम पूरी तरह से तैयार हैं और पर्यटकों को किसी तरह की कोई परेशानी डलहौजी में नहीं आने दी जाएगी। इस वर्ष के पर्यटक सीजन में डलहौजी में जो यातायात की व्यवस्था की जा रही है वो प्रत्येक बस की भांति यहां पर डलहौजी बस स्टैंड से सुभाष चौक से जीपीओ और जीपीओ से वापस बैलून की तरफ जो रोड आता है उसमें वन वे यातायात की व्यवस्था अमल में लाई जाएगी। इसके लिए प्रॉपर नोटिफिकेशन डीसी ऑफिस से जारी किया जाएगा। इसके लिए उपमंडलाधिकारी के कार्यालय में एक मीटिंग आयोजित की गई थी 9 तारीख को, जिसमें सभी स्टेक होल्डर्स को बुलाया गया था और उन्हें हिदायत करी गई थी और उनके विचार भी लिए गए थे कि इस व्यवस्था को अमल में लाने के लिए अपनी तरफ से सभी स्टेक होल्डर्स सहयोग करें, ताकि ना तो स्थानीय वासियों को कोई दिक्कत हो और ना ही बाहर से आने वाले पर्यटकों को असुविधा हो। सभी तरह से आगामी पर्यटक सीजन स्मूथ तौर पर डलहौजी में चले, इसके लिए ये हिदायत की गई है कि गाड़ियां अपने यथोचित पार्किंग स्थलों में पार्क की जाए और येलो लाइन को के किनारे यथोचित जो पार्किंग एरियाज हैं, चिन्हित पार्किंग एरिया, वहीं पर गाड़ी लगाए जाए। अगर उसकी वायलेशन में कोई भी पार्किंग की जाती है तो उसके लिए यातायात पुलिस को हमने ब्रीफ किया हुआ है कि इसमें सख्त कार्रवाई की जाए और इस व्यवस्था को प्रभावी रूप से इम्प्लीमेंट किया जाए।